दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के पठानी मोहल्ला में एक मेडिकल की दुकान संचालित करने वाले एक युवक पर कुछ बदमाशों ने गुंडा टैक्स वसूलने के प्रयास को लेकर धारदार हथियारों से हमला करने का प्रयास किया। यह घटनाक्रम गुरुवार रात करीब 10 बजे का है। आरोपियों ने दुकान संचालक पर दो बार हमले का प्रयास किया और वहां से भाग गए। पुलिस में रिपोर्ट की गई है, जिसके बाद कोतवाली TI विजय राजपूत ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस पूरी घटना का एक CCTV फुटेज भी दुकान संचालक ने पुलिस को दिया है और वही वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित अजहर खान ने बताया कि रात में वह अपनी मेडिकल की दुकान पर बैठा था, तभी 5 से 6 लोग हथियार लेकर उसकी दुकान में पहुंचे, जिससे वह आरोपी योगेश दारू मनीष अहिरवार गौरव राज को जानता है। इन लोगों ने पैसे की मांग की और हथियार से मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। इसके पहले भी आरोपियों के द्वारा 2-3 बार इस तरह की घटना की जा चुकी है। रात में फिर आरोपियों ने हमला करने का प्रयास किया। इसी दौरान मेरे मामा साहिल खान दुकान पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनके हाथ में चाकू मार दिया। कोतवाली TI विजय सिंह राजपूत ने बताया कि उन आरोपियों में से योगेश गारू मनीष अहिरवार गौरव राज तीनों पर 327, 294, 552, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। TI ने बताया कि योगेश और मनीष यह बजरिया 3 के रहने वाले हैं और आदतन अपराधी हैं। इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही नूरी नगर में भी एक युवक के पास 7 पैसे न देने पर मारपीट की गई थी। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से तरबुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, जिसमें 4 से 5 जन सामने से आए और एक ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और मुझसे पैसे मांगने लगा कि ये पैसे दो। और इनकी पहले भी 2-3 बार इन लोगों ने हमें वो किया, मतलब आके धमकाया। 4 से 5 बार हो चुका है ये सब। इनने आ जाके फिर हमसे पैसों की डिमांड की। एक ने मेरा राज बिल्कुल अंदर को ढरकाया बिल्कुल, और मुझ पर एक बार नहीं, 2-2 बार जान से मारने की कोशिश की, धारियाँ चलाया उसने, जिसमें से मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ। वो यहीं के हैं, मोहल्ले के, और एक यहाँ का स्वीपर है। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम धारू स्वीपर और एक का नाम मनीष अहरवाल और एक गौरव राज। ये 3 लोग मैन थे जो, और इनके साथ और भी लोग थे जो मुंह बांध के आए थे। किस चीज़ से हमला किया है? ये धारिया से हमला किया है। पुलिस में कंप्लेंट कर दिया आपने? जी कर दी। मैंने देखा कि दुकान पे कुछ लोग वो कर रहे हैं, आके हल्ला मारपीट हथियार वगैरह लिए, तो हमने उनसे बोला क्या भैया क्या हो रहा, तो मैं भी बैठता हूँ इस दुकान पे, आता हूँ, तो उन्होंने देखा कि हम भी इन्हीं के मामा हैं, तो हमारे ऊपर भी उन्होंने हथियार चलाना चालू कर दिए। हम बचा रहे थे तो हमारे लिए यहाँ पर चाकू लग गई, बहुत बड़ी चाकू थी। मतलब क्या नाम है तुम्हारा? हमारा साहिल नाम है। कितने लोग थे? 6 से 7 लोग थे। एक मेडिकल संचालक को कुछ लोग हथियार लेस धमका रहे। ये कल रात्रि में करीब 8:30 बजे के समथिंग, 8:30-9 के बीच थाना कोतवाली में अजहरुद्दीन निवासी सिविल वार्ड नंबर 4 के थाने पर रिपोर्ट के लिए आए थे, जिन्होंने एक वीडियो भी दिखाया उनके मेडिकल पर। एक वीडियो उनके जो CCTV लगे थे उसमें वीडियो कैद हुआ, जिसमें कुछ लोग हथियार लिए हुए थे और इनके साथ में कुछ बातचीत झूमा झटकी और इस तरीके का उसमें वीडियो था। जो अजहरुद्दीन की रिपोर्ट पर आरोपी योगेश गारू मनीष अहिरवार गौरव राज इनके विरुद्ध अपराध पंजीवृत कर लिया गया। धारा 327, 294, 552, 527, 506, 34 के तहत अपराध पंजीवृत कर लिया गया इनकी रिपोर्ट पर से। इससे पहले ये भी ज्ञात हुआ कि ये जो योगेश गारू है और मनीष अहिरवार है, ये बजरिया वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं। ये पहले से भी आपराधिक प्रकृति है, उन पर और भी मामले मारपीट के छेड़छाड़ के अपराध पंजीवृत है। इस घटना के मेडिकल वाली जो घटना, उसके पूर्व एक प्रभात वाल्मीक सन ऑफ राजेश वाल्मीक, ये नूरी नगर के रहने वाले हैं, इससे पहले ये वहाँ पर गए थे और जो प्रभात वाल्मीक हैं इनसे भी शराब के लिए पैसे मांगकर अड़ीबाजी की
और पैसे ना देने पर घर में घुसकर इनके साथ में मारपीट की है, जो प्रभात वाल्मीकि के द्वारा भी योगेश खारू और मनीष अहिरवार के विरुद्ध FIR थाने में पंजीबद्ध कराई गई, जो पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा तत्काल FIR पर एक्शन लेते हुए जो मेन आरोपी है योगेश खारू है इसको तत्काल हथियारों के साथ में पकड़ लिया गया। बाकी के जो दो अन्य आरोपी हैं इनकी पता नहीं भी जा रहा है। Subscribe now to most exciting channel ever.